सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की बोट पार्टी पर एक नया खुलासा हो गया है। जी हाँ, जिस नशे के कनेक्शन में एनसीबी ने लगातार जांच पड़ताल की है फार्म हाउस को लेकर, ये राज भी खोला है कि वाकई में इस वक्त जांच पड़ताल की जरूरत है। जी हाँ, खुलासा हुआ है कि आपती नाम के टापू में ये दोनों जो हैं पहुँचा करते थे, रिया और सुशांत, और खासकर सारा के साथ भी वो चार बार यहाँ पहुँच चुके थे। जी हाँ, ऐसे टापू के बारे में काफ़ी ज़्यादा खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट सामने आया है कि इस टापू में सुशांत और सारा पार्टी तो करते थे, लेकिन इसके बाद रिया वहाँ जब पहुँचना शुरू की तो सारा वहाँ से दूरियाँ बना चुकी थी। आपती गोविंदे नाम के इस टापू में पार्टी के दौरान ये खूब नशे किया करते थे। यानी कि शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत की दिमागी हालत खराब होने के पीछे फार्म हाउस में हुई, क्योंकि डिप्रेशन से पीड़ित सुशांत सिंह राजपूत को खूब नशे दिए जाते थे और उसके लिए वहां पर पेडलर भी मौजूद था। शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती के अलावा वहां जैद विलात्रा नाम का जो पेडलर अभी अरेस्टेड है एनसीबी की तरफ से, वो भी वहां पहुंचा करता था। वही तो इंतजाम किया करता था, रिया इंतजाम करती थी जो सप्लाई नशीली पदार्थ का वही किया करता था सुशांत के फार्म हाउस में, और इसलिए कई ऐसे गवाह भी मौजूद है वहां पर। नशीले पदार्थ, दवाइयाँ, तमाम तरह के एस्ट्रोजेनॉल स्पॉट किए गए हैं, जिसे एनसीबी ने अपने साथ ले जाकर इसे कोर्ट में पेशी के लिए तैयार किया है। 22 सितंबर की तारीख को पेशी होने वाली है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके ही फार्म हाउस में जो गवाह मिले हैं और जिस तरह से रिया को लेकर खुलासे हुए हैं, बोथ मैन ने बड़े खुलासे किए हैं कि घंटों वो रहा करते थे उस पार्टी में और बोट में वो पार्टी किया करते थे साप्ती गोविंदे टापू नाम के इस जगह पर, जहां पर अक्सर सुशांत प्राइवेट पार्टी में लेकर आया करते थे रिया को। रिया और ये खुल कर यहाँ एंजॉय करते थे, कोई यहां पर फोर्सफुली नहीं आता था, सब अपनी मर्जी से नशा किया करते थे। तो यहां आपको बताना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में 9 दिन गुजार चुकी है रिया चक्रवर्ती और ये 10वां दिन है रिया का सुशांत मामले में गिरफ्तारी के बाद भाईखला जेल के अंदर, जहां पर रिया से अब कोई भी इंटरोगेशन नहीं किया जा रहा है। रिया फिलहाल जेल की सजा भुगत रही है, यानी कि सिंपल रोटी और कोई सुविधा के बिना वो अपनी रात और दिन गुजार रही हैं। रिया को बाकी अपने सभी टीम मेंबर्स से दूर रखा गया है, सर्कल से दूर रखा गया है, महिला कैदियों के बीच है वो, जहाँ पर उन्हें तमाम तरह की सिल्लत सहनी पड़ेगी। इस चीज़ का उन्हें डर पहले ही था और यही बात उन्होंने की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी में 2 गार्ड्स वहां पर उन्हें दिए भी गए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति।